कॉप यूनिवर्स के सुपर कॉप मास्टर रोहित शेट्टी आजकल अपनी वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स के प्रमोशन में बिजी हैं और इसी प्रमोशन के चक्कर में काफी इंटरव्यू में अपने परिवार की काफी अनसुनी बातों को उजागर कर रहे हैं, खासतौर से अपने परिवार के स्ट्रगल, अपने माता पिता के स्टंट कैरियर और अजय देवगन से दोस्ती। और अजय से दोस्ती के इसी सिलसिले में उन्होंने 90s से जुड़ी काफी बड़ी बड़ी बातों को एक्सपोज किया है, खासतौर से फूल और कांटे की कास्टिंग को लेकर बड़ा तगड़ा खुलासा किया है। हालांकि ये खुलासा हम ऑलरेडी काफी पहले कर चुके हैं, फिर भी रोहित शेट्टी की जुबान से वो सोशल मीडिया पर जब वायरल होती है क्लिप, तब लोग उसको ऑथेंटिक मानते हैं। बहरहाल बात हो रही फूल और कांटे की और साल था 1991-92 का। तब अजय देवगन को कास्टिंग के लिए कोई डायरेक्टर एग्री नहीं हो रहा था, बिकॉज उनकी कदकाठी चेहरे मोरे से बहुत एक्टिंग वाली हीरो वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। ऊपर से उनके पिता वीरू देवगन एक्शन डायरेक्टर थे। ऐसे में अजय की ओपनिंग, अजय की कास्टिंग, अजय के लॉन्चिंग को लेकर बहुत ज्यादा बड़े प्रोड्यूसर हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, बिकॉज उस वक्त एक्टर बहुत गोरे और बहुत ही बॉडी बिल्डर होते थे। ऐसे में डायरेक्टर कुकू कोहली ने पहले अक्षय कुमार को कास्ट किया और फूल और कांटे अक्षय के साथ बनने वाली थी, बिकॉज अक्षय ऑलरेडी मधु के साथ ऐलान भी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ, अक्षय कुमार को हटाकर अजय देवगन को रोप इन किया गया। इसके पीछे काफी लोग डिफरेंट थ्योरीज की बात करते हैं। कोई कहता है अजय के पिता वीरू ने सिफारिश लगाकर अक्षय को बाहर करवाया, अजय की एंट्री करवाई, बिकॉज कुकू से उनकी ऑलरेडी दोस्ती थी। जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है अक्षय कुमार ऑलरेडी किसी मूवी के लिए साइन हो चुके थे और सेम टाइम पर दो शिफ्ट को कर नहीं पा रहे थे। ऐसे में कुकू कोहली साहब को अपनी फिल्म की शूटिंग काफी डिले करनी पड़ती थी, इसलिए कुछ रील बनाने के बाद उन्होंने मूवी को पोस्टपोन कर दिया और मूवी काफी टाइम तक लटकी रही। उसकी वजह से रोहित शेट्टी का करियर भी लटक गया, बिकॉज रोहित शेट्टी इस मूवी में एसोसिएट डायरेक्टर का एक्शन असिस्टेंट का काम कर रहे थे। लेकिन बाद में जब मूवी स्टार्ट हुई तब अजय देवगन की एंट्री हुई और रोहित शेट्टी का करियर भी चल पड़ा। बहरहाल सूर्यवंशी के सेट पर जब अक्षय, रोहित, अजय मिलते हैं तब तीनों हंसकर इसी मामले में बात करते हैं और कहते हैं कि फूल और कांटे से अक्षय की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन मूवी की किस्मत में अजय देवगन लिखे थे इसलिए उनको मिली। बाद में अक्षय ने दूसरी एक्शन फिल्मों से खुलासा किया और इस तरह से बॉलीवुड को दो बिगेस्ट एक्शन हीरो मिले जो 90s से लेकर आज तक अपने एक्शन से पब्लिक को एंटरटेन कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।